पूरी परिवार में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला गुजराती खिचू। खिचू को देश भर के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में इसे घेरिया बुलाते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते या शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खिचू बनाना। सबसे पहले हम एक पैन में 3 कप पानी गर्म करेंगे। पानी के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसे आप हाथों से क्रश करके डालें। फिर डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून अजवाइन को भी हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। इस तरह से जीरा और अजवाइन का फ्लेवर और भी उभर कर आता है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 चुटकी पापड़ खार या पापड़ सोडा। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह रेगुलर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। बचे हुए चिली फ्लेक्स हम सर्व करते समय डालेंगे। अब हम इसमें बारीक कटे कड़ी पत्ते और हरा धनिया डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है पानी में, वो भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। अब पानी में डालेंगे 2 टीस्पून तेल। ये तेल हमने गरम करके ठंडा कर दिया था पहले ही। पानी को हमें अच्छे से गरम होने देना है। अगर आपने अब तक फूडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 कप चावल का आटा डालेंगे और इसे एक बेलन या वुडन स्पून के एंड से अच्छे से मिला देंगे, ताकि कोई लंप्स ना हो और कोई सूखा आटा भी ना बचे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, फिर भी चावल के आटे और पानी का रेशियो 1:3 ही होना चाहिए। अब हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर इसी के भाप में इसको स्टीम करना है। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से खिचू स्टीम हो चुका है। ये एक ऐसी डिश है जो गुजरात में एज अ स्ट्रीट फूड भी आसानी से मिलती है। अब आती है इसे सर्व करने की बारी। खिचू को हम एक बोल में लेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर इसे एक सर्विंग प्लेट पे पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से इसने शेप होल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा तेल, जिसको हमने पहले से ही गर्म करके ठंडा कर लिया था। फिर डालेंगे बचे हुए चिली फ्लेक्स और आखिर में डालेंगे बारीक कटे कड़ी पत्ते और हरा धनिया। गर्मा गर्म खिचू परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। खिचू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।